आजकल हेयर लॉस काफी लोगों में देखने को मिल रहा है, स्पेशली टीनएजर्स ज्यादा हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक स्पेशल रेमेडी शेयर की जाए जो आपकी हेयर लॉस को फिक्स करेगी। जी हाँ, सफेद तिल के साथ हम कुछ चीजों को मिलाकर एक ऑयल बनाएंगे और ये ऑयल बालों में जबरदस्त शाइन लाएगा और डैमेज बालों को ठीक कर देगा और बॉल्ड स्कैल्प पर इससे बाल आ जाएंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है और इसमें ऐड किया है सेसमे सीड्स यानी कि सफेद तिल। सफेद तिल में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और ये बालों की जड़ों में होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है और डैंड्रफ को कम्प्लीटली हटा देता है। सफेद तिल सूखे बालों में नरिशमेंट देता है, ये बालों को यूवी रेजेस से बचाता है और तेज धूप में बालों पर होने वाले नुकसान को ठीक करता है। तिल का तेल और सफेद तिल का यूज करने से बालों को अच्छा हाइड्रेशन मिलता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों का टूटना रोकता है। सफेद तिल बालों को तेजी से लंबा करता है। ज्यादा हेयर लॉस होने की वजह से अगर आपके भी स्कैल्प दिखने लगा है तो तिल का यूज करने से खाली स्कैल्प पे भी बाल आना शुरू होते हैं। तो एक चम्मच के लगभग आप सफेद तिल ले लीजिए। एंड नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे पैराशूट कोकोनट ऑयल। शुद्ध नारियल का तेल बालों की जड़ों को पेनिट्रेट करता है, हेयर लॉस, ड्राइनेस और हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। नारियल का तेल काफी हल्का तेल होता है, इसलिए बालों की जड़ों में ये अंदर तक आसानी से चला जाता है और बालों की जड़ों को अच्छा पोषण देता है। नारियल के तेल में एंटी फंगल गुण होते हैं जो बालों के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं। एंड नारियल के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो बालों को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज को ठीक करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये बालों के ड्राइनेस को दूर करके डैंड्रफ की छुट्टी कर देता है। कोकोनट ऑयल के अलावा अगर आप दूसरे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच नारियल का तेल तिल के साथ ले लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रोगन बादाम शिरीन जो है बादाम का तेल। बादाम का तेल इन सभी चीजों को और भी पावरफुल बना देगा। बादाम के तेल में विटामिन ई और फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को डैमेज होने से बचाते हैं। बादाम का तेल यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारे बनाए गए ऑयल को ये और भी बूस्ट और स्ट्रांग बना देगा। कुछ लोग तेल इसलिए भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऑयल काफी भारी लगता है, लेकिन बादाम का तेल बहुत ही लाइट वेट होता है और जब हम इस तेल को बनाने के लिए बादाम के तेल का यूज करेंगे तो ये और भी लाइट वेट हो जाएगा, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। एक चम्मच बादाम का तेल इसमें आप डाल दीजिए और इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 2 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई बालों को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ये कमजोर बालों को न्यूट्रिएंट्स देता है। विटामिन ई बालों में लगाने से बाल हेल्दी और स्ट्रांग रहते हैं, इससे रूखे बेजान बालों में शाइन चमक आती है। ये बालों की क्वालिटी को ठीक करता है और बालों को घना करता है। विटामिन ई बाल तेजी से बढ़ाता है, इससे आप तेल के साथ भी लगा सकते हैं और एलोवेरा जेल के साथ इसका हेयर मास्क बनाकर भी लगा सकते हैं। 2 विटामिन ई कैप्सूल मैंने लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। इन सभी चीजों को स्पून से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पूरी रात इस ऑयल को तिल में भीगे रहने देना है। रात को आप इसे बना लें और पूरी रात इसे रखकर नेक्स्ट डे इसको लगाएं। पूरी रात रखने के बाद बस इसी तेल का इस्तेमाल आपको अपने बालों की जड़ों में करना है। अगर आपको इसके पार्टिकल इशू है तो आप इसे छान कर लगा सकते हैं। तेल को बालों की जड़ों में पार्टीशन करके लगाएं, जिससे स्कैल्प को पोषण मिलेगा और आपके बाल मजबूत होंगे। अगर आप लेंथ पर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, पर जड़ों में आपको अच्छे से लगाना है। तो सारे बालों की जड़ों में लगाने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक इसकी मसाज करें। मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और बाल तेजी से ग्रोथ करते हैं। मसाज करने के बाद बालों को बांध लें और 3 घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लें। अगर आप रात भर रखना चाहते हैं तो आप रात भर रख सकते हैं। ये तेल आपके बालों के रूखेपन को खत्म कर देगा, साथ ही आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। सो मस्ट ट्राई इट। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।